सुषमा, घर में कोई नहीं है तो टीवी देखने का रिकॉर्ड बना रही हूँ। बोर होने से तो अच्छा है कि टीवी देखो, अच्छा टाइम पास है। अभी 11 बजे एक मस्त मूवी आने वाली है बिग मूवीज पर। 11 बजे तो बिग मूवीज पर वो फिल्म आने वाली है ना, हॉरर, वो भयानक रात। लेकिन सासुमा, वो फिल्म ना आपको नहीं देखनी चाहिए। क्यों? ये फिल्म देखने के बाद ना कई लोगों को तो वो अलौकिक शक्तियों का अपने आस पास होने का आभास भी हुआ है। बोलो। अच्छा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत डरपोक किस्म की लड़की हो। खट्टी बात सासुमा, मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ और बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। वो तो दिख ही रहा है। ओ, मूवी शुरू हो गई। ऐसा म्यूजिक आएगा अभी। तुम्हें डर लग रहा तो अभी भी कह रही हूँ, जाओ अंदर जाओ, कमरे में चली जाओ। ना ना ससुमा, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करके रहूंगी। मैं भी देखूंगी आपके साथ ये फिल्म बैठ के। अरे टीवी में से आवाज आ रही है। मैं म्यूट करके बताती हूँ। ये देख, ये तो किचन में से आवाज आ रही है। मही बेटा, जरा जाके देख किचन से क्या आवाज आ रही है। क्यों, डर लग रहा है? ना, बिल्कुल नहीं सासुमा। लेकिन सासुमा, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, अगर कोई चोर हुआ तो। तुम्हारी बात सही है, चल हम दोनों चलते हैं। आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे। मैं बिल्कुल। रुक। तुझे डर तो नहीं लग रहा है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ससुमा, आपको डर नहीं लग रहा है ना? मुझे कहो है कि रुक, अगर सचमुच चोर हुआ तो काम करते हैं, तू अंदर जा। अरे मत, तू अंदर जा, अंदर अगर चोर हुआ तो तू मुझे इशारा कर देना, मैं ना बोलूंगी तो ये मारूंगी, समझी? पक्का सासू माँ मुझे बचाएंगे ना अगर कुछ हुआ तो? हाँ हाँ, बचाऊंगी, तू जा। जम्मे 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 हो गया था जैसे घर में कोई भूत देख लिया हो। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। चल चल बच्चा, चल अभी सो जाते, बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। पहले खिड़की बंद कर फिर गाना। मानो
कुछ अगर राम दूत तुल तो बलता मान चले पुत्र बच ना मामा अचरंग को पद पर सुमति के बच पर बच सकानन कुंडल को चले सा तो बच और तो कौन से कुछ जो साचे सकर शोर नहीं 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 मही ऐसे अकेले तो नींद नहीं आएगी मुझे पापा जाकर बैठती हूँ वहां से कम सासू माँ का रूम बगल में तो है अगर कुछ हुआ तो उनके पास तो जा सकती हूँ बगल में मही का रूम है वहां थोड़ी रिलैक्स रहूंगी सो गई थी वो तो पानी पीना था तो मैं पानी पी आई अच्छा पानी तुम सोई थी क्या बात है पानी उबारो ससुमा मैं निकालती हूँ पानी ससुमा कुछ ठीक तो है ना क्यों नहीं वो ऐसी डरी डरी सी क्यों लग रही हो आप लावा वे पानी मैं तेरी तरह बच्ची थोड़ी हूं कि डर जाऊं हालत तो तेरी खराब हुई है देख देख अपने आप को काय पड़ ससुमा अरे मेरी हालत एकदम टकाटक मस्त है अरे मैंने तो डरना ही नहीं सीखा ससुमा अभी तक डर रहा ही नहीं आप देखिए ससुमा अरे आपके चेहरे का तो रंग उड़ गया है एकदम अच्छा अंदर किचन में जाके कैंडल लेके आ तो जानू मोबाइल की लाइट के बगैर जा तो मान यहाँ से वहां तो जाना है खाली जा जा जा
सच बताती हूँ सागर, मही की हालत देखने जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि सामने सचमुच फिल्म की चुड़ैल आ गई है। गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे अरे क्या कर रहे हो? बस मीरा, आप लोगों को मजाक सोच रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ सागर जी। अरे वो रसोई घर में ना बर्तन अपने आप ऐसे ऐसे चल रहा था पापा। अरे रिलैक्स मही, कोई बर्तन वर्तन अपने आप नहीं चल रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि कल रात हमारे किचन में एक चूहा घुस आया था और बर्तन के नीचे फंस गया था। आ मही भाभी, बहुत बदमाश चूहा था, बड़ी मुश्किल से आज मैंने पतला उसे। सच्ची चूहा था? मुझे पहले से ही पता था कि मही एक नंबर की डरपोक है। डरपोक कहीं की। अरे मही चूहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है कल रात को मैंने उस चुड़ैल को देखा। ये देखो उसका लंबा बाल मिला मुझे, रस्से में से मिला वीरा। और वीरा पता है बड़ी डरावनी लग रही थी वो, तो ये लंबे लंबे काले काले बाल, फिर वो काटे जैसे लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत वीरा। वीरा मैंने तो सुना है कि जो भी वो फिल्म देखता है ना उसके पीछे वो चुड़ैल पड़ जाती है पापा। तो मैडम का क्या होगा? ना जाने से बढ़ते वीरा, जाए मान दादा। हे भगवान, ये मेरी बहू कैसे बन गई? शायद मेरा वहम होगा। कोई तो जरूर था, लेकिन कौन? पायल की आवाज आ रही थी।
मही तो पायल पहनती नहीं है और सागर और कन्हैयालाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कौन था? हे भगवान, बोल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती हो लोक जागर राम दलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुर। सुषमा, क्या हुआ? आप एकदम परेशान क्यों नजर आ रही हो? हम आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप ठीक से सोई नहीं है। हाँ, ये सुषमा कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो चुड़ैल आपके पीछे पड़ गई हो और उसी के वजह से आपके डर से आपकी हालत खराब हो गई हो? चैपली, तू अपना याद कर, तू तो चूहे की वजह से बेहोश हो गई थी, भूल गई? ससुमा याद है मुझे? सारी 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 बस मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो डर ही नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं। नहीं लगता मुझे डर, बिल्कुल नहीं लगता। मैंने ना ही बोला। ओके ओके मही, फुल स्टॉप। ना लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, अब इस बारे में कोई बात मत करो। ओके, फुल स्टॉप। मारसू, फुल स्टॉप के बाद मारसू क्यों? अरे, किसी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, कहाँ गए? हुआ? अभी की टेस्ट क्यों है मॉम? ना ना ना, मैं टेंस का हूँ। आई एम ओके। अरे मॉम बताइए ना, क्या हुआ, क्या बात है? हाँ हाँ सासु माँ, आपकी सिट्टी पिट्टी गुल क्यों हो गई? सागर, सागर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो फिल्म वाली चुड़ैल यहाँ थी, वो यहाँ बैठी थी, मैं वहाँ सामने बैठी थी, वो यहाँ बैठी थी, वो ये कर रही थी। हो ही नहीं सकता ससुमा, आपने खुद कहा था ना आपको भूत चुड़ैल इन सब से डर नहीं लगता। वो मैंने झूठ बोला था, मुझे बहुत डर लगता है। वो यही है, हमारे घर में ही है, कहीं छुप गई है, मुझे बहुत डर लगता है उससे, बहुत डर लगता है। वो यही बैठी थी इधर,
अभी। अरे मॉम कौन यहाँ बैठी थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो फिल्म वाली चुड़ैल। सासुमा कहीं ये वो तो नहीं है ना? अरे दलित धम्मा, अरे पैतन तान आप तो तोतला देता। ससमा, ओ ससमा, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आप भी डरपोक है। अरे एक मिनट यार मही, ये सब हो क्या रहा है? मुझे बोलने दो सागर। मही, अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? हो ही नहीं सकता सासुमा, आपको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। आपने खुद कहा था ना, हाँ बोला था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे पता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे कोई डर नहीं लगता, समझी? मैं तो यूं ही ऐसे ही, मुझे जरा भी डर नहीं लगता। जो जो वो तो ऐसे ही। हे भगवान, ये आप कह रही है सासुमा कि आपको डर नहीं लगता? लो अब भी आपकी हालत देखने जैसी थी। वो तो ऐसे ही मैं नाटक कर रही हूँ। कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है तो पहले अपना ही भला कर लीजिए। हर घर की यही प्रॉब्लम है। गुड बाय।